तो नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बॉल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबके चहीते बागेश्वर धाम के बारे में। दरअसल उनको नागपुर के अंदर में भगोड़ा साबित कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि मैदान छोड़कर भागे बागेश्वर धाम, इस तरह की चीजें। प्रकरण ये है कि जो बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अब मुझे तो बाबा कहने में भी शर्म आती है कि 26 साल के लौंडे को जो है दुनिया बाबा बाबा बाप बाप कहने में लग रही है, तो वो भी एक बहुत अजीब सी चीज़ है। लेकिन खैर, कोई नहीं। तो बाबा का प्रोग्राम होना था 13 जनवरी तक नागपुर के अंदर में, और उससे पहले भी कई प्रोग्राम जो है बाबा के हो चुके थे। अब ये जो बाबा का ड्रामा है ना, एक खुद कहते हैं ना, मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ, तो इन ढाबा का जो ड्रामा है इसको देख देख करके बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे। तो हमारे ही बीच से निकल करके श्याम मानव जी ने इनके ऊपर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो थी उसके माध्यम से बाबा को एक पहले चेतावनी दी, चैलेंज दिया कि भाई आप हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, 30 लाख रुपए भी जीतो और साथ में डबल ट्रिपल प्रसिद्धि भी पाओ। अब चैलेंज जब उन्होंने दिया कि भाई जो आप ये चमत्कारों का दावा करते हैं, आप ये शक्तियों का दावा करते हैं, आप इन दावों को साबित कर दो और साबित करते ही अपना इनाम लेकर के चले जाइए। लेकिन बाबा को तो ये अंदर से पता था कि मैं तो लोगों को मूर्ख बनाता हूँ, बेवकूफ बनाता हूँ, तो इसलिए इन पचड़ों से पलने में बढ़िया है वो 11 तारीख को ही जो है वहां से मैदान छोड़ करके भाग गए, कथा को बीच में रोककर ही भाग गए। तो बात कहाँ आती है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री को कथा करने से रोका जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यदि अपना कथा वाचन करते तो वो एक चीज होती अलग कि वो किसी पढ़ी हुई चीजों को या कुछ सीखी हुई चीजों को आगे लोगों को बता रहे हैं। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब ये एक व्यक्ति जिसकी उम्र 26-27 साल रही होगी, वो आदमी अपने चमत्कार दिखाता है, हैं? उसकी एक सेना बनी हुई है अलग ही, सेनापति मार लगाई जाए, सेनापति इसको ठोका जाए, सेनापति सबको खड़ा किया जाए, अरे पूरी सेनापति की सेना बना रखी है उसने, और वो भी ऐसी सेना जो ना आपको दिखेगी ना मुझे ना ही किसी और को, लेकिन वो मार लगा रही है, इसको दिख रहा है, ये उठा पटक करवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो प्रॉब्लमेटिक चीज इसके लिए खड़ी हुई। उसके बाद में तरह तरह के जो जादू टोने ये लोग करवाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं और लोगों को उस तरफ लेकर के जाने का काम करते हैं, अंधभक्ति की तरफ में, अंधश्रद्धा की तरफ में जो ले जाने का काम करते हैं, उसके खिलाफ में श्याम मानव जी ने उनके ऊपर में केस भी दर्ज कराया, पुलिस को शिकायत दी कि भाई ये लोग इस तरीके से अंधश्रद्धा को फैलाने का काम कर रहे हैं जो कि नहीं फैलाना चाहिए। तो अब देखिए, बात समझने और सीखने वाली सीधी सी इतनी है। और धीरेन्द्र शास्त्री को मैं दोबारा से ये बोलना चाहूंगा, इसको चेतावनी कह लो, सलाह कह लो या कुछ भी कह लो, वो ये है कि आप लोग जो है लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दो कि मेरे पास में चमत्कार शक्ति है, इनके चमत्कार ये टोने टोटके जादू टोने जो है ना इनके सब इनके पंडाल तक ही सीमित रहते हैं, इनके उन बुलाए गए लोगों तक ही सीमित रहते हैं, और इनको बाहर निकाल दो मैदान में तो वहाँ इनकी हवा टाइट हो जाती है, वहाँ इनका कोई चमत्कार नहीं चलता, वहाँ इनकी कोई दिव्य जो इनके पास में पावर है वो नहीं चलती। तो इसीलिए भाई मेरा बागेश्वर धाम वाले बाबा से निवेदन है, कृपया अपनी ये मूर्खता और जहालियत फैलाना बंद कर दीजिए और एक बेहतर समाज को बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, सही हैं, उन चीज़ों को बताना शुरू कर दीजिए, आपका भला हो जाएगा और साथ में देश का भी भला हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को उन तक और उनके चेले चपाटों तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि वो लोगों के दिमाग में थोड़ी चेतना जो है जागने का काम हो सके। तो ठीक है साथियों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।